सब्सक्राइब कीजिए न्यूज हिंदी टीवीएस चैनल को और साथ हमें बेल आइकॉन को भी दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने जा रही है यह मशीन। यूरोप की परमाणु अनुसंधान CERN ने हाईटेक मैग्नेट स्थापित किया है, जिसमें वह बड़े हेड्रॉन को कोलाइड करने के लिए हाई ल्यूमिनोसिटी LHC में कणों की टकराव संख्या को बढ़ाना चाहते हैं, जिसकी मदद से दूसरी दुनिया यानी दूसरे आयामों के दरवाजे को खोला जा सके। ऐसा करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कण स्मैशर को 10 गुना अधिक बार कोलाइड करने की जरूरत है। इन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अब CERN ने मशीनों को और ज्यादा बड़ा बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। दूसरे आयाम का दरवाजा खोलने के लिए सभी तकनीक में नए अपडेट दिया है। CERN का कहना है कि अपग्रेड से 2026 में शुरू होने वाले अधिक डेटा का उपयोग भौतिकी के रहस्यों को अनलॉक करने के लिए किया जाएगा। 2012 में LHC का उपयोग हिग्स बोसन के अस्तित्व को साबित करने के लिए किया गया था, जिसे भगवान कण भी कहा जाता है, जिसने वैज्ञानिकों को द्रव्यमान प्राप्त करने के तरीके में बड़ी प्रगति दी है। हिग्स बोसन ईश्वर कण को और अधिक सटीक रूप से परिभाषित करने के लिए इन मशीनों को 1.2 किलोमीटर तक के दायरे में बनाया जा रहा है, ताकि LHC की मदद से भारी मात्रा में टकराव की प्रक्रिया को किया जा सके। ये टकराव नए कण उत्पन्न करते हैं, जिससे कणों और पदार्थों में प्रकृति के नियमों पर एक अभूतपूर्व रूप देखा जा सकता है। इस परियोजना को 2026 से 2036 तक पूरा किया जा सकता है।